हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों को जो टाइटल है, टाइटल से तो मालूम चल ही गया होगा कि मेरे जो 2000 सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं। ओके, और उन लोगों को भी थैंक यू जो अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किए बट मेरे जो वीडियोस हैं उनको देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जो फायदा मिल रहा होगा, आपको गिटार सीखने को थोड़ा मिल रहा होगा और कीबोर्ड पे भी मैंने लेसन्स डाले हैं और भी जैसे लेसन्स हो गया सैक्सोफोन पे भी लेसन्स कुछ डाले हुए हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 10,000 का टारगेट है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियोस है उसको लाइक करें ताकि मुझे भी और थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ओके, तो अब फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों के बिना ये नहीं हो सकता था। ओके, आप लोगों के सपोर्ट के लिए और आप लोगों के जो प्यार है उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और बाकी जो है आगे का मेरा फ्यूचर प्लान क्या है कि मैं और भी जैसे लेसन्स हो गए, जैसे वोकल के मतलब सिंगिंग के लेसन्स मैं बनाने जा रहा हूँ। सिंगिंग पे बहुत सारे जो बेसिक लेवल के सिंगिंग हो गए, उसके बाद एडवांस लेवल के हो गए, मतलब जो रागाज हो गए, इंडियन क्लासिकल में रागाज होते हैं तो रागाज को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद तबला हो गया, तबला का लेसन्स मैं डालने वाला हूँ, वायलिन का लेसन्स मैं डालने वाला हूँ, हाउ टू लर्न वायलिन। उसके बाद कीबोर्ड के भी और बहुत सारे लेसन्स आएंगे और फिर केहन के, केहन मतलब हम लोग एक जो बॉक्स होता है बॉक्स के ऊपर बैठ करके उसको प्ले करते हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो मेरा लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड के बारे में बहुत सारे जो लेसन्स है वो मैं डालने वाला हूँ। और जो हमारा जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है मतलब लॉजिक प्रो हो गया या फिर क्यूबेस हो गया, ऑडासिटी हो गया, तो रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं तो ऑडासिटी पे भी मैं लेसन्स बनाऊंगा। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे लॉजिक प्रो हो गया उस पर भी मैं लेसन्स बनाऊंगा। तो कैसे हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साउंड ये साउंड कार्ड क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूंगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि और भी जितने जो गैजेट्स हो गए, कीबोर्ड हो गए, गिटार्स हो गए, उनके अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं। थोड़े बहुत मैं ट्राई करूंगा फ्लूट को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए ताकि जो भी ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे इस चैनल पे आ सके और आपको एक ही चैनल पे मतलब सारी चीज़ों का जो नॉलेज है वो आपको मिल जाए। ओके, तो आप जो भी सीखना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आकर के सीख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हो गया इको मशीन्स हो गया, बहुत तरह के मिक्सर्स होते हैं, ओके, और एम्पलीफायर्स होते हैं और भी बहुत तरह के साउंड कार्ड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो सारे जो मशीन्स हो गए, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हो गए, जब हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो किस किस तरह के मशीन्स को हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो जो हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, ताकि जो मेरा जो टारगेट है 10,000 का जो टारगेट है वो आसानी से कंप्लीट हो सके, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो सके। ओके, और मैं आपके लिए बहुत सारे लेसन्स लाने वाला हूँ, तो बी कनेक्टेड और मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।